हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स लास्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास ट्वेल्थ का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट topic so male reproductive system is broadly classified into two parts the primary sex organs or the main sex organs or the essential sex organs primary sex organ main sex organ essential sex organs dusra has secondary sex organ and accessory sex organs Organs. अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं टेस्टीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम गोनेड्स भी बोलते हैं दे देर ऑल्सो नोन एज गोने गोनेड्स है अब टेस्टीज का काम क्या है और ये जो भी काम है ये इंपॉर्टेंट काम क्यों है तो टेस्टिस का जो काम है वो है सबसे पहला स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना स्पर्म सेल को बनाना जिसको हम गैमेटोजेनेसिस भी बोलते हैं दूसरा काम है टेस्टिस का मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टो स्टीरोन को बनाना तो पे दो काम हो गए स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द एंड्रीशन ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन व्हाट इज द नेम ऑफ सेक्स हार्मोन इज द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टीरोन है इसका मेन फंक्शन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जिसके आधार पे एक टीनेजर या एडोलसेंट मेल को या ह्यूमन को हम मेल या फीमेल बोल सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन या सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अब इनमें डिफरेंस क्या है प्राइमरी का मतलब है जिसने सबसे मुख्य रोल प्ले कर दिया मुख्य रोल क्या है स्पर्म का बनना जो भी स्पर्म इन्होंने बनाया है उसको ले जाने का काम उसको कैरी करने का काम कौन करेगा सेकेंडरी सेक्स organ या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स करेंगे अब ये कौन-कौन से हैं सो हियर द फर्स्ट वन इज द एपिडिडाइमिस पहला है एपि

तो मेन डिफरेंस हो गया क्योंकि इसने मेन काम कर दिया है इसलिए ये मेन सेक्स ऑर्गन है और इसका मेन काम क्या है का बनाना हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो मेल गैमिट कौन होगा मेल गैमिट होगा स्पॉम मेल गैमिट इज स्पर्म इसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं गैमिट भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसको ऐसा नाम जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है इसको बोला जाता है जर्मिनल सेल भी जर्मिनल सेल मेल रिप्रोडक्टिव सेल इसको स्पर्म या मेल सेक्सल भी बोला जाता है तो यहाँ पे हमने डिफरेंशियट कर लिया दोनों प्रकार के के ऑर्गन्स को को अब इसी को ही हम डायग्राम के हिसाब से देखेंगे एक साइड व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे और एक फ्रंटल व्यू के हिसाब से पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं साइड व्यू के हिसाब से कि जब हम साइड व्यू देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन की दैट इज टेस्टीज टेस्टीज क्या है प्राइमरी सेक्शुअल ऑर्गन है या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिस पाउच में ये सिचुएटेड है दिस पाउच इज नोन एज स्क्रॉटम इस पाउच को हम क्या बोलते हैं स्क्रॉटम. टेस्टीज बनने के बाद एक स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डिडाइमिस स्ट्रक्चर इज नोन एज इपी डिडाइमिस इपी डिडाइमस से ये जाते हैं कहा जाते हैं वास डिफ्रेंस में वास डिफ्रेंस से ये गए वासिफ्रेंस में वास डिफ्रेंस से ये तीन ग्लैंड के कॉन्टेक्ट में आते हैं सेमिनल रेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बेल्बो यूरिथरल ग्लैंड ये तीन ग्लैंड से कॉन्टेक्ट में आए और उसके बाद ये तीनों ग्लैंड के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ये आते हैं यूरिथ्रा में और जो यूरिथ्रा है वो एक्सटेंड होती है पीनस तक दिस इज द दीनस एंड दिस इज द मेल टरी ऑर्गन और इजेक्यूलेटरी ऑर्गन इसमेंट है आउटर पार्ट में दिस स्किन इज नोन एज फोर स्किन और जो पिनस का टिप है दैट इज ग्लास पिनस तो ये तो हो गया इसका साइड व्यू अब इसको फ्रंटल व्यू से देखें तो जब हम फ्रंटल व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की डिटेलिंग कर लेते हैं और स्पर्म का पाथवे भी समझ लेते हैं सबसे पहला आएगा टेस्टीज द टेस्टीज आर द प्राइमरी मेन असेंशियल रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स काम क्या कर रहे हैं स्पर्म बना रहे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एज वेल एज द मेल सेक्स हॉर्मोन अब स्पर्म जो बने हैं ये स्पम बन के कहा स्टोर होंगे द स्पर्म स्टोर इन द ईपी डिडाइमिस द स्पर्म स्टोर इन द ईपी डिडाइमिस तो यहां पर पहला तो हो गया टेस्टिज ने बनाया स्पर्म ये स्टोर हुआ ईपी e. डिडाइमिस में ईपी e. डिडाइमिस से जो स्पर्म है वो जाएगा वास डिफरेंस में वास डिफरेंस को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं स्पर्म डक्ट वास डिफरेंस इज़ नोन एज स्पर्म डक्ट। तो एक तो स्पर्म डक्ट ये है दूसरी स्पर्म डक्ट ये है ये स्पर्म डक्ट आते हुए और इस तरीके से सेमिनल वे की डक्ट के साथ यूनाइट हो गई सेमिनल वेसाइकल ये वाले ग्लैंड है इसके साथ यूनाइट हो जाती है स्पर्म डक्ट और यूनाइट होके एक सिंगल डक्ट बना लेती है इसी के साथ साथ जो स्पर्म्स हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के भी और आते हैं बेल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के भी अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं डायग्राम में कहा, कहा पे कौन सा ग्लैंड है तो सेमिनल वेसाइकल को हम ऑलरेडी लेबल कर चुके हैं अब ये वाला जो ग्लैंड है दिस ग्लैंड जिसको रेड कलर से मार्क किया है दिस इज प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ये वाला जो ग्लैंड है इस ग्लैंड को हम बोल रहे हैं प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और उसी के नीचे जो छोटे ग्लैंड हैं दो इनको हम बोल रहे हैं बैल्बो यूरेथरल ग्लैंड अब ये जो ग्लैंड्स है इनके कांटेक्ट में जो स्पर्म आते हैं तो ये तीनों ग्लैंड्स के सीक्रेशंस स्पर्म में ऐड हो जाते हैं स्पर्म की मोटिलिटी के लिए स्पर्म को एनर्जी फ्रक्टोज न्यूट्रिशन स्पर्म का पीएच मेंटेन करने के लिए ये तीनों ग्लैंड्स अपने-अपने सीक्रेशंस स्पर्म में ऐड करते हैं और इन तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन के बाद इन तीनों ग्लैंड के सीक्रेशन के बाद जो स्पर्म है वो इनके फ्लूड के साथ मिक्स हो जाता है और इस फ्लूड को बोला जाता है सीमन अब सीमन जो कैरी कर रहा है वो जो डक्ट है जो सीमन कैरी कर रहा है दिस डक्ट इज़ यूरिथ्रा। इस डक्ट को हम क्या बोल रहे हैं यूरिथ्रा ये जो यूरिथ्रा है ये पीनस की लेंथ के साथ साथ नीचे आ रहा है एंड दिस इज नोन एज

पाथवे क्या है तो कैसे समझाएंगे सबसे पहले ने बनाए स्पर्म टेस्टिस ने जो स्पर्म बनाए वो इपिडिडाइमस में इपिडिडाइमिस में स्टोर हुए ये जो स्टोर हुए इसके साथ साथ ये मेच्योर भी हुए यानी कि स्पर्म का बनना बनने के बाद स्टोर होना मैच्योर होना ये किसने किया इपीडिड ने किया इपीडिड के बाद ये गए वास डिफरेंस डिफरेंस में। वास ने क्या किया जो स्पर्म एपिडिडाइमस में स्टोर थे उनको कैरी किया और कैरी करके ये कहां तक लेके आए ये लेके आए सेमिनल विसाइकल तक सेमिनल विसाइकल तक लेके आए प्रोस्ट्रेट ग्लैंड भी आया यहाँ पे और आया कॉपर्स ग्लैंड इन तीनों ग्लैंड्स ने अपने अपने सिक्रिशल स्पर्म में ऐड किए तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे टेस्टिस ने क्या बनाए हैं टेस्टिस ने बनाए हैं स्पर्म ये स्पर्म स्टोर हुए यही स्पर्म कहाँ जा रहे हैं वास डिफरेंस में या स्पर्म डक्ट में अब इन तीनों ग्लैंड्स ने क्या किया इन तीनों ग्लैंड्स ने मिलके स्पर्म को अपने सिक्रीशंस दिए जिसको हम बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा या सिक्रीशन ऑफ द आर इंपॉर्टेंट ये सिक्रेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सिक्रेशन ही स्पर्म की मोटेलिटी स्पर्म को एनर्जी देने के लिए फ्रक्टोज देने के लिए पीएच मेंटेन करने के लिए जरूरी है तो इन तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन के बाद हमने स्पर्म को क्या बोला सीमन अब ये जो सीमन है ये कहां पे आया ये सीमन आया यूरिथ्रा तक सीमन आया यूरिथ्रा तक और यूरिथ्रा जो है कहां तक एक्सटेंड हो रही है यूरिथ्रा पीनस तक एक्सटेंड हो रही है तो जब इजैक्यूलेट होगी चीज तो क्या इजैक्यूलेट होगी सीमन इजैक्यूलेट होगा एंड व्हाट इज सीमन सीमन इज अ न्यूट्रेटिव फ्लूड इन विच स्पर्म्स आर प्रेजेंट ऐसा न्यूट्रेटिव फ्लूड है जिसमें स्पर्म प्रेजेंट है स्पर्म क्या है नेचुरली एक सेल ही तो है और सेल को जीने के लिए हर वो चीज चाहिए जो बॉडी की दूसरी नॉर्मल सेल्स को चाहिए तो यहाँ पे सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेंगे ये तीनों ग्लैंड प्रोवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे काम किसके लिए हो रहे हैं ये सारे काम स्पर्म के लिए हो रहे हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो रहे हैं है। तो टेस्टिस के अलावा के अलावा पे जो भी चीज पार्टिसिपेट कर रही है जो भी ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो भी कर रही है, है वो कहलाता अब पे टी ने क्या बोला है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार चीजें हैं पहला पेयर्ड टेस्टीज पेर्ड टेस्टीज प्रेजेंट है दूसरा प्रेजेंट है एक्सेसरी डक्ट एक्सेसरी डक्ट एक्सेसरी डक्ट में हमने पढ़ा है वास डिफरेंस एंड यूरिथ्रा जो क्या कैरी कर, कर रहे हैं स्पर्म को कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट हमने पढ़े ग्लैंड तीन पढ़े कौन कौन से सेमिनल प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड जिसको बेल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी बोला जाता है एंड लास्ट वन इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया वॉट इज एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक्सटर्नल जेनेटेलिया इज द कॉप्युलेट्री ऑर्गन और द दीनस अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो एक्सेसरी डक्ट हैं, उस एक्सेसरी डक्ट में यूरिथ्रा के इम्पोर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है और उसका कारण ये है कि जो यूरिथ्रा है दिस यूरिथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर सीमन एंड यूरिन ये दोनों के लिए कॉमन पैसेज है और इसीलिए इसको बोला जाता है यूरिनो यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट इसको क्या बोला जाता है यूरिनो जेनेटल ट्रैक्ट क्योंकि ये सीमन के लिए भी और यूरिन के लिए भी कॉमन है बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जब यूरिन पास होगा तब सीमन पास नहीं हो सकता और जब सीमन पास होगा तो यूरिन पास नहीं हो सकता यानी कि दोनों एक्टिविटीज कभी नहीं चलती हैं तो ये पूरा का पूरा का पैसेज हो गया कि किस तरीके से स्पर्म बनने के बाद ट्रैवल होता है अब यहाँ पे जो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में कि टेस्टिस का क्या रोल है टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर है और उसके साथ साथ इन सभी ऑर्गन्स का भी क्या क्या पार्ट है क्या क्या रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन द नेक्स्ट वीडियो